हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिर से ये एक और नए डिज़ाइन का टेबल फैन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये ऊन को डबल कर लिया है और इस तरह से एक एक कील छोड़ते हुए हम दोनों साइड से लगा लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मुझे इसके 10 राउंड लगा लेने हैं। ये मैंने इसके 10 राउंड लगा लिए। अब हम इसको तिरछा लगाएंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हर एक स्क्वायर के बीच में से ये इस तरह का निशान आना चाहिए। ये हम एक एक कील बीच में छोड़ते हुए इसको ऐसे ही तिरछा तिरछा लगा लेंगे। देखिए, मैंने बीच में एक एक कील छोड़ी हुई है। और दोनों साइड से हम ऐसे ही तिरछा तिरछा लगा लेंगे। और ये देखिए, हमारे हर एक स्क्वायर के बीच में क्रॉस का निशान आ रहा है। इसी तरह से आना चाहिए। ये मैंने ऊन को डबल किया हुआ है और इसी तरह से मैं इसको लगा ले रही हूँ। और ऐसे ही इसको मुझे 10-10 बार लगाना है इसको भी। मैंने इसको भी 10-10 बार लगा लिया है। देखिए, अब ये मैंने ब्लैक कलर की ऊन ली है और इसको मैंने डबल कर लिया है। और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें इसको 5 बार फोल्ड करना है। ये मैंने 5 बार फोल्ड कर ली और इसको ये धागे पिन में डाल करके ये इस तरह से देखिए नीचे से डाला और फिर यहाँ से फिर इस तरह से इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये वाला जो टेबल मैट है बनाने में बहुत आसान लगा मुझे और जल्दी भी बन गया और अच्छा भी लग रहा था बनने के बाद में। आप इसको पूरा देखते रहिए। इसको हल्का सा इस तरह से खींच देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं खींचना है, हल्का सा ऐसे करना है जो धागे सीधे हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से खींच लिया है। अब मैं ये इस साइड से भी लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये कैसे बांधा था, हम इसको पहले कट कर लेंगे और यहाँ पे ये जो कील है इसमें इस तरह से गांठ लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा इस तरह से कील में फंस जाएगा और इसको पिन में डाल लेंगे। और इसको भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, मैं नीचे से डाला धागे को और फिर ऊपर निकाल लिया और फिर ये जो वाइट कलर का क्रॉस है यहाँ पे, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का प्लस का निशान बन जाएगा। इसी तरह से ये हमें निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। और इसी तरह से इसको भी मुझे पूरा निकाल लेना है। ये देखिए, इस साइड से हमें इसको कैसे बांधना है। ये इसको भी हल्का सा खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा खींच के। और यहाँ पे ये धागों को 2 भागों में डिवाइड करके बीच में से कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे गांठ लगा देंगे। गांठ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगानी है, नहीं तो फिर खोलने में दिक्कत होगी। तो इसी तरह से हम सब में लगा लेंगे। और इसी तरह से मैंने फर्स्ट वाली भी लगाई थी। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड से ऐसे ही लगा ली है और ये डिज़ाइन कुछ डिफरेंट आया है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। ये देखिए, ये दोनों साइड से डिज़ाइन रहेगा हमारा। आप किधर से भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो अब हम इसमें गांठे लगाएंगे। ये देखिए, गांठे लगाना मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो
ये देखिए कैसे लगानी है हमें, जो हर टेबल मैट में गांठें लगानी हो किसी भी टेबल मैट में वो टाइट ही लगाएंगे तो ही हमारा टेबल मैट अच्छा बन के निकलेगा। अगर आप ढीला ढीला लगाएंगे तो उसमें से धागे निकले निकले से रहेंगे और उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ से गांठें अच्छे से लगानी है। ये देखिए इसमें, इस वाले टेबल मैट में हम बीच में गांठें नहीं लगाएंगे, सिर्फ साइड साइड में ही गांठें लगाएंगे। तो इसी तरह से मैं ये पूरी लाइन में चारों साइड से लगा लूँगी। तो ये मैंने लगा ली, ये देखिए चारों साइड से गांठें लगा ली। अब हम इसको, ये जो ब्लैक वाले धागे हमने ज़्यादा बड़े हैं ये हमारे, हम इसको पहले काट लेंगे, उसके बाद ये जो गांठें लगाई थी इसको हम खोल लेंगे क्योंकि अब इसमें हमने गांठें लगा ली हैं। और ये जो वाइट वाले धागे हैं इनको हम बिल्कुल बीचों बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इसको चारों साइड से निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया और हमारे अब जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको भी हम कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ये जो ट्रिपल मैट है ये बन करके कितना अच्छा लग रहा है, और ये आपका खुलेगा भी नहीं, ढीला भी नहीं होगा। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा। और ये टेबल मैट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए। और मैंने अपने चैनल पर काफ़ी नए नए वीडियोस अपलोड भी किए हुए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं चैनल पर जा कर के। थैंक यू, वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।